हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरिंदर सिंह। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। अब हम आज एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि हमारे देश इंडिया में गवर्नेंस कैसे काम करती है, क्या है इसकी यूनिट्स है, कौन से इसके पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि उसको लीड करने वाले लोग डेमोक्रेट्स हो, उनके द्वारा चुने गए हों, उनके द्वारा इलेक्ट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज है वो है पार्लियामेंट। हमारे देश को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, जो सबको लीड करती है, कंट्रोल करती है, रूल्स बनाती है, अमेंडमेंट करती है, सब कुछ करती है, जो मतलब कंट्री को रन कर रही है, वो है हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट, सबसे पहले पार्लियामेंट, हर दुनिया में जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर पार्लियामेंट है, बस नाम थोड़ा अलग अलग है। जैसे अपने बात करते हैं यूएसए की, यूएसए में इस चीज को बोल देते हैं कांग्रेस। ठीक है, जैसे अपने बोल देते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में इसका नाम बोल देते हैं शोरा। ठीक है, इस टाइप से जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में से बोल देते हैं पार्लियामेंट। वैसे इंडिया है अपना देश, भारत देश, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको अपने संसद भी बोल देते हैं। और क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं वो अपने यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, इसलिए इसको अपने पार्लियामेंट भी बोल देते हैं, दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, अब अपने समझते हैं कि इसके अंदर है क्या, पार्लियामेंट के अंदर है क्या, कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन से हाउसेज हैं। वैसे आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट बेसिकली, देखो जो पार्लियामेंट का आइडिया है, पहले ये देखते हैं अपने, तो पार्लियामेंट का आइडिया है, ये नहीं है कि हमें कुछ लोग मानते हैं कि ये ब्रिटिश रूल आया उसके बाद ही पार्लियामेंट बनी है, कि लोगों ने सोचा कि अब ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला है तो हमें हमारी एक सरकार चाहिए, पहले ये आइडिया है ही नहीं था। ऐसा नहीं है, पहले भी आइडिया था। ऋग्वेद नाम सुना आपने, चार वेद है, सबसे बड़ा उसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी सभा और समिति ये दो वर्ड दिए गए हैं, सभा और समिति ये दो वर्ड दिए गए, मतलब ग्रुप है, इसका मतलब ये है ग्रुप। सभा मतलब लोगों को संबोधित करना, लोगों को कुछ बोलना, किसी चीज को पेश करना, इंट्रोड्यूस करना, इस चीज के बारे में चर्चा करना, डिस्कस करना, ये है सभा और समिति। तो ये चीजें ऋग्वेद में लिखी हुई थी। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसका मॉडिफाइड रूप है हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे कि पार्लियामेंट में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अपने क्या, पार्लियामेंट में अपने क्या कुछ देखते हैं, तो पार्लियामेंट के अपने दो तो होते हैं हाउस के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब वो तीन चीजें क्या क्या है, सबसे पहले एक चीज है इसको बोलते हैं लोग सभा। ठीक है, दूसरा जो हाउस है उसको बोलते हैं राज्य सभा, और तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा इसका जो पार्ट है, इसी का पार्ट है, उससे बोलते हैं हमारे जो देश के हैं सबसे बड़े फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति। तो जो पार्लियामेंट है वो तीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पार्लियामेंट सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा नहीं है, इन तीनों का मिक्सचर है, प्रेसिडेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। लोकसभा इसे बोल देते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, क्योंकि इसके अंदर पीपल होते हैं, क्यों होते हैं देखेंगे, अपने हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं इनको। और राज्यसभा बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ स्टेट्स बोल दो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, इसको ये क्यों बोलते हैं, ये क्या नाम है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले देखते हैं अपने कि ये जो पार्लियामेंट बनी है या जो ये बना है कि हमें लीड करने वाले लोग एक रूल के नीचे, एक लॉ के नीचे चलेंगे, वो कैसा बना है। तो ये एकदम से नहीं आया, ये धीरे धीरे आया। अब धीरे धीरे कैसे आया, इसका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या हिस्ट्री अपने वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, अंग्रेज आए थे लगभग, मान के चलते हैं कि जब प्लासी वॉर हुई थी 1757, उसके बाद आ गए थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना जो इफेक्ट है वो यहाँ पर बढ़ाया। तो सबसे पहले जो मानते हैं वो मानते हैं चार्टर है, एक 1833, देखिए
1833 में एक आया था चार्टर एक्ट। माना जाता है कि वहीं से जो पार्लियामेंट की तरफ अपने जो चल पड़े थे, भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए काम करे, उसके इंटरेस्ट के लिए काम करे और वहीं से बने, उनकी बात भी सुने। ठीक है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट से लेके तो सबसे मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी, जो मतलब कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जस्ट पहले जिसको अपने मानते हैं, जिससे ज्यादातर एक्ट लिए गए हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपने कब सुना? 1935 का जो भारत है, ठीक है ना, 35A आपने पहले, वो यहीं से लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब अपने देश में जो कानून है, बहुत सारा कानून जो लॉ है, वो डायरेक्टली यहीं से उठाया गया है। ठीक है ना, वो कैसे सिस्टम काम करेगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, लेकिन बहुत सारे लॉ है जो चले आए थे ठीक थे, उसको यहीं से लिया गया है। तो वो लॉ ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बीच में भी कई बार चीज बनी है। देखो, सबसे पहले जो असेंबली इंट्रोड्यूस की गई थी, सबसे मैक्सिमम मेंबर्स, वो थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एक था हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट, ये एक एक्ट आया था। इसमें बताया था कि एक असेंबली होगी जो देश की जनता को, पब्लिक को लीड करेगी, और इसमें मैक्सिमम 60 मेंबर्स होंगे, ये बताया गया। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, बैकग्राउंड है कि पार्लियामेंट तो बाद में बनी है, लेकिन पहले उसके जो रूल्स है वो कहां से आए थे। पहले चार्टर एक्ट आया और लास्ट में आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज के टाइम आधी चीजें यहीं से ली गई है हमारे पार्लियामेंट में। ओके, अब अपने आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा क्या है, कैसे बनती है। ठीक है, देखिए हमारी जो इंडिया की जो फॉर्म है तो फेडरल, लेकिन वो सोल से यूनियन है। देखो क्या हुआ था, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, उसके बाद आजाद हुआ भारत, तो सभी स्टेट ने सोचा कि अलग अलग रहने की तुलना में, उसकी बजाय अगर अपने इकट्ठे रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, ज्यादा इंटीग्रेटेड रहेंगे, ज्यादा अपने पास ताकत होगी और ज्यादा अपने पास रिसोर्सेज होंगे। ठीक है ना, ये बात उन्होंने सोची। तो क्या हुआ था, सभी स्टेट आपस में मिल गए, इसलिए क्या अपना बन गया, फेडरल बन गया। ये सभी स्टेट्स आपस में जुड़ गए इसे और एक इंडिया बन गया। जैसे राजस्थान था, बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास था, दिल्ली था, बंगाल था, सभी आपस में जुड़ गए, उनसे एक कंट्री बन गई है। तब तो था वो फेडरल, लेकिन अब ये नहीं कि सभी कोई अलग हो जाएगा, अब सभी एक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में लिखी लिखा हुआ है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है ना, अब स्टेट क्या है वो आपको पता लगी है, वो कि सभी स्टेट के मिलने से बन गया, लेकिन अब ये एक है, अब स्टेट अलग नहीं है। ठीक है, अभी सिस्टम को चलाने के लिए इनको अलग अलग स्टेट में बांटा गया, लेकिन वो ये नहीं कि वो देश से अलग है, ये अलग हो जाएंगे कभी अपने फायदे के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। अब साथ आ गए तो साथ रहेंगे, अब सारा एक परिवार है, ये बात है, इसको यूनियन बनाती है। तो देखो, सभी स्टेट्स को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने थे, तो इसके लिए बनाई गई राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं, अपने पार्लियामेंट के पार्ट है। तो पार्लियामेंट के बारे में कहाँ बताया गया, हमारे जो आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चैप्टर वाइज, आर्टिकल वाइज डिवाइडेड है। तो जो पार्लियामेंट है वो है हमारे आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि अपने देश में एक पार्लियामेंट होगी जो सिस्टम को चलाएगी। ठीक है, अब पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होगा उसके बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल 80, पहले अपने बात करेंगे राज्यसभा की, पहले राज्यसभा के बारे में बताया गया कि राज्यसभा क्या होगा, कि पहले आता है को आर्टिकल 80। अब आर्टिकल 80 क्या बताता है, देखिए पहले आता है पहले अपने देखते हैं कि राज्यसभा, आर्टिकल 80 राज्यसभा। आर्टिकल 80 क्या बता रहा है,
ये बता रहा है कि एक राज्यसभा होगी, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए आपको पता है कि पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, दो हाउसेस है इसके अंदर, उसके अंदर एक है राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर जो लोग होंगे वो कहां से आएंगे, राज्य यानी स्टेट, जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां से लोग आएंगे और उनके मिलने से जो असेंबली बनेगी उसे बोलेंगे राज्यसभा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या गुण बताया गया अपने उसके बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा में क्या है। सबसे पहले जो राज्यसभा के जो मेंबर्स आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अपॉइंट कहां से होते हैं। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर कहां से आते हैं, हर स्टेट अपने अंदर से कुछ मेंबर भेजता है, वो होते हैं राज्यसभा के मेंबर। जैसे देखो राजस्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, असम है, सिक्किम है, ठीक है, असम है, सिक्किम है, ये सभी स्टेट अपने अंदर से कुछ मेंबर्स भेजेगा राज्यसभा के लिए। ऊपर बैठी यहां पर राज्यसभा, ठीक है। अब मेंबर्स कितने कितने भेजेगा, मेंबर्स ये भेजेगा अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, अपनी सेंसस के हिसाब से, किसमें कितने मेंबर्स भेजने चाहिए, ठीक है, ये डिसाइडेड है। देखो सबसे पहले राज्यसभा में मेंबर्स होते कितने हैं, देखो राज्यसभा में मैक्सिमम 252 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसमें मेंबर्स कितने हैं, 245 मेंबर्स हैं। अब इन 245 मेंबर्स को कैसे बांटा गया है, देखो इसमें से जो 12 मेंबर हैं उसको तो प्रेसिडेंट सीधा ही अपॉइंट करते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट कर देता है। बाकी बच गए 233। अब 233 में से 229 तो आएंगे स्टेट से और 4 आएंगे यूटी, यूनियन टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है ना, पुदुचेरी है, दिल्ली है, यहां से आएंगे और 229 आएंगे स्टेट से आएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये आते कैसे हैं, देखो इनको तो प्रेसिडेंट ने सीधा बोल दी कि हमें ये बंदा लगाना है, वो आ जाएगा। अब ये कैसे आएंगे, तो देखिए इसके लिए होंगे इलेक्शन, इसके लिए पड़ेंगे वोट। अब वोट कौन डालेंगे, राजस्थान की पब्लिक नहीं, ये होते इनडायरेक्ट वोटिंग। राजस्थान ने अपने रिप्रेजेंटर राजस्थान की असेंबली में भेज रखे हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान की असेंबली में कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक है, तो 200 लोग बताएंगे कि हमें ये बंदा चाहिए, ये चाहिए। जैसे 10 लोग चुनने हैं तो हर लोग अपने अपने हिसाब से डाल देंगे, तो जिन जिन 10 लोगों को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो लोग यहाँ से 10 लोग निकल जाएंगे, ठीक है, 10 लोग इलेक्ट हो जाएंगे राजस्थान की तरफ से। अब मेन फैसला आता है कि किस स्टेट से कितने आएंगे, तो हर स्टेट में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से आएंगे। यूपी है, यूपी में आएंगे 32, असम है, सिक्किम में यहाँ से एक एक आएंगे। तो ऐसा फर्क क्यों, क्योंकि राजस्थान की देखो आबादी कितनी है, 7 करोड़ है, यूपी कितनी है, लगभग 22 करोड़ है, इनकी कितनी है, 6-7 लाख है। तो देखा जाए तो हर स्टेट को रिप्रेजेंट भी करना है, लेकिन ये भी नहीं है कि यहाँ की आबादी देखो राजस्थान से 3 गुना है, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटर जाएंगे वो भी 3 गुना जाएंगे, ऐसा यहाँ पर है। असम की आबादी सिक्किम कम है, अब देखा जाए तो एक सीट भी नहीं बनती है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ आदमी को भेजेंगे। अब ये ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है देखो वो भी क्या है, अलग अलग स्टेट से मिलकर बना था, लेकिन वहां पर सभी स्टेट्स इक्वल है। इक्वल है मतलब मान लो वहां पर वहां की सेनेट है, जैसे अपने आप राज्यसभा है ना, वहां पर भी सेनेट, तो वहां पर 100 मेंबर है सेनेट में, तो 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट से 2 लोग जाएंगे, यही से 2 लोग, ठीक है, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 100 हो गए, 100 हो गए, हर स्टेट से 2 जाएंगे, चाहे वो स्टेट्स बड़ा है चाहे छोटा है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्टेट्स मिले हैं तो हर स्टेट्स को अपने बराबर रिप्रेजेंटर चाहिए, सभी की तरफ से 2-2 रिप्रेजेंटर जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ पर एक ऐसा नहीं है, स्टेट्स मिल गई हैं लेकिन अब पूरी यूनियन एक इंडिया एक यूनियन है, तो इसको अब पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है, स्टेट से कोई मतलब नहीं, स्टेट से जाएंगे मेंबर लेकिन जाएंगे उनकी उनके अंदर कितनी पब्लिक है उस हिसाब से। तो ऐसे इलेक्ट होते हैं
राज्यसभा के मेंबर्स। ओके चलते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है कि ये मेंबर्स कितने टाइम के इलेक्ट होते हैं। ये मेंबर्स है कितने टाइम के लिए इलेक्ट होंगे, तो देखो पहले तो इसका कोई टाइम नहीं था, जैसे टेन्योर देख रहे हैं अपने, टेन्योर कितना होगा, कितने टाइम के लिए इलेक्ट होंगे, तो देखो पहले तो इसका कोई टाइम नहीं था। जो फ्रेमर थे उसने क्या दिया था, उन्होंने कि आप अपने हिसाब से बाद में सेट कर देना जब देश आजाद हो गया। तो इसके लिए एक एक्ट लाए, एक मतलब बिल पास किया, एक एक्ट लेके आए, वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये एक एक्ट पास किया गया था, इसमें बताया गया कि राज्यसभा का जो एक मेंबर है उसका टेन्योर होगा 6 इयर्स, और राज्यसभा कभी भी है ये नहीं 6 साल बाद सारे रिटायर हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, राज्यसभा के अंदर सभी मेंबर्स एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, इसके अंदर हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर चेंज होंगे। ठीक है, अगर 250 मान लो अगर 30 मेंबर होंगे, ठीक है, तो ये नहीं भी 6 साल बाद 30 के 30 रिटायर कर देंगे, एक बार 10 रिटायर होंगे, 2 साल बाद फिर अगले 10 हो जाएंगे, 2 साल बाद उसके अगले 10 चेंज हो जाएंगे, ऐसे होता रहेगा, एकदम सारे नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये चीज है इसका टेन्योर 6 इयर्स। अब आगे आता है कि कौन बंदा राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और डिसक्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन यही है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो। दूसरी बात, उसकी एज मिनिमम 30 इयर्स हो, वो बनेगा का मेंबर बन सकता है, और थोड़ी बहुत है शर्तें हैं लेकिन मेन ये चीजें हैं। आगे डिस्क्वालिफिकेशन, कौन बंदा नहीं बन सकता, सबसे पहले वो आदमी नहीं बन सकता जो किसी प्रॉफिट की पोस्ट पे है, जो किसी जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर किसी प्रॉफिट की पोस्ट पर है, मान लो किसी जगह आईपीएस बना हुआ है, या कोई किसी जगह कोई सरकारी नौकरी पर है, या किसी कमेटी में है इंडिया की, अगर वो है तो नहीं बन सकता, उसको पहले वो छोड़ना पड़ेगा, फिर आके वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, वो दूसरे हाउस का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, तो एक आदमी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं बन सकता, एक बार में एक ही का मेंबर बन सकता। देखो लोकसभा के केस में है कि लोकसभा में एक बार में एक साथ 2 सीट्स पर वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, लेकिन एक बार में एक ही सीट पर रह सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। राज्यसभा में तो 2 सीट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, लोकसभा में होता है कि एक बार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन बाद में अगर वो दोनों भी जीत गया तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी विद इन 14 डेज। ठीक है, वो अलग बात है। तो डिस्क्वालिफिकेशन, एक तो वो किसी प्रॉफिट पर हो ना हो, प्रॉफिट पोस्ट पे ना हो, या फिर वो किसी दूसरे हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा उसने वो क्राइम ना किया हो, उसके पास प्रॉपर्टी लीगल हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। या फिर एक सबसे बड़ी चीज हो, वो किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए, ये नहीं है वो इंडिया का भी है कनाडा का भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इंडिया का ही सिटीजनशिप होना चाहिए, उसका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब आगे बात आगे देखते हैं कि इस राज्यसभा का इंचार्ज कौन होगा, ऑफिशियल कौन होगा, इसको संभालने वाला इसका हेड कौन होगा, इसका ऑफिशियल कौन होगा। तो देखिए, इसका ऑफिशियल कौन होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 64 और 89 में क्या बताया गया है, कि आर्टिकल 64 और 89, ये 2 आर्टिकल हैं, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं ऑफिशियल ऑफ, ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा के बारे में,
अब क्या बताते हैं वो देखिए कि इसका हेड कौन होगा, राज्यसभा को चलाने वाला कौन होगा। अब 245 मेंबर्स को राज्यसभा में सेशन चलते हैं अपने, क्या चलते हैं इसके बाद पढ़ेंगे वो, तो अपने देखते हैं कि इसको चलाने वाला कौन होगा। सभी लोग आपस में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बिल वगैरह आएगा, सेशन चलेंगे, उसको चलाने के लिए एक इनका हेड चाहिए, एक चेयरमैन चाहिए। तो उसमें बताया है कि राज्यसभा का एक चेयरमैन होगा, राज्यसभा का एक चेयरमैन होगा। अब वो चेयरमैन राज्यसभा के अंदर से नहीं होगा, वो चेयरमैन होंगे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, तो आज के नाम में हमारे एम वेंकैया नायडू, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी है। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उसके बाद एक तो चेयरमैन है, एक है डिप्टी, इनके डिप्टी कौन होंगे, डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे, तो इनके डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के कोई मेंबर ही होंगे, इन्हीं को कोई मेंबर को इनके अंदर से वोटिंग से चुनेंगे कि आपका डिप्टी किसको बनाए, वो इनके डिप्टी होंगे। मान लो कभी वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि जो उस समय वहां के चेयरमैन है वो वहां पर नहीं आए हैं, किसी काम से गए हैं, या फिर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो उस टाइम चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन का काम संभालेंगे, ठीक है, ऐसा होता है इनके ऑफिशियल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपना अगला हाउस, अगला हाउस कौन सा है, हमारा अगला हाउस है लोकसभा। से बोल देते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, लोकसभा। लोकसभा अपने देखो 80 में क्या थी, राज्यसभा, तो ये आती है आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स, देखो नाम से पता चल रहा है लोगों का हाउस, वहां पर स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे थे, इसलिए बोल दिया राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर पीपल यानी लोग, पब्लिक डायरेक्टली अपने लोग भेज रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया हाउस ऑफ पीपल। होता क्या है कि पूरे देश को इक्वल कंस्टिट्यूएंसी से बांटा गया है, पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, सभी को देश को इक्वल भागों में बांट दिया गया है। हर एक जगह पर वोट पड़ते हैं, लोग अपना एमपी चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनके भेजते हैं, तो पीपल डायरेक्टली चुनके भेजते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा। ओके ठीक, ये तो आ गया इसके मैन्युफैक्चर, इसकी जो फॉर्मेशन कैसे है, इसके अंदर क्या होता है, लोग आते हैं, लोगों को चुनके भेजते हैं, वहां के लोग वोट डालते हैं, एफपीटीवी सिस्टम होता है, आपको पता ही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो बंदा एमपी बन जाता है। ऐसे हर जगह से एक एक एमपी बनते हैं, जैसे कोई गुजरात से बन गया, कोई बीकानेर से बन गया, जयपुर से भेज दिया, ठीक है ना, ऐसे ही बनते हैं। तो कितने बंदे होंगे इसके अंदर, कितने लोग होंगे, तो शुरुआत में बताया गया था कि इसके अंदर 500 मेंबर्स होंगे, इसके अंदर होंगे लोकसभा में 500 मेंबर्स होंगे, शुरू में इतने थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन बताया गया था कि इसको बढ़ा सकते हैं अपने। और आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में कितने मेंबर इसके अंदर, आज के टाइम में लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं। इनमें से क्या है, अब इस नई लोकसभा में 543 है, ठीक है। अब तक क्या होता था, दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट से अब ये दो जो मेंबर्स को हटा दिया गया, तो इस टाइम हमारे देश में जो एमपी हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, वो है 543। अभी एमपी आते कहां से हैं, इनको लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर चुनकर भेजते हैं 543 मेंबर्स को, ठीक है, ये बात हो गई। अब बारी आती है इनका टेन्योर कितना होगा, या इनकी क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन कितनी है, तो पहले देखते हैं अपने इसका टेन्योर कितना होगा, इसका कार्यकाल कितना होता है इनका, इनका
टेन्योर, इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बनते हैं ये, ठीक है। उससे पहले भी अगर ये हट सकते हैं, मान लो असेंबली डिसॉल्व हो जाए, सरकार खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, कलाप कर जाए, तो उससे पहले भी ये हट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं? 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरी बात, एक क्या होता, जब एमरजेंसी लगी थी तब इसका टेन्योर 6 ईयर कर दिया था, लेकिन बाद में उसको वापस 5 ईयर कर दिया, ठीक है। एमरजेंसी के टाइम 76-77 था, जब 76-77 में इसका टेन्योर बढ़ाकर 6 ईयर कर दिया था, लेकिन बाद में वापस 5 ईयर कर दिया, ठीक है। अब हमने देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या डिसक्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन वही है, बस एज का डिफरेंस है। तो क्वालिफिकेशन है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, क्या है वो? सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसकी एज 25 इयर्स होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ये आगे क्वालिफिकेशन, बाकी जो जनरल है। अब आगे आती है डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं का कलेक्टर है, कोई डीएम है, मान लो कहीं के एसडीएम है, वो आके कह दे कि मैंने भी चुनाव लड़ना, नहीं लड़ सकते। पहले वो वहां से रिजाइन करके आओ, फिर चुनाव लड़ सकते हैं, ओके। अगली बात, वो मान लो कोई क्रिमिनल है, उस पर कोई ऐसे ऑफेंस है जो प्रूव हो चुके हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये है इनका डिस्क्वालिफिकेशन। अब आगे देखते हैं अपने इसके ऑफिशियल्स, इनके जो हेड हैं, इनको इनके जो हेड हैं वो कौन होते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल 94 और आर्टिकल 96 में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया हमने देख लिया, देखिए जैसे आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 में बताया गया है स्पीकर के बारे में, इसमें बताया गया है डेप्टी स्पीकर। अभी स्पीकर क्या होता है? तो लोकसभा जो हाउस है, इसका जो चेयरमैन है, इसका जो लीडर है, ठीक है, उसको बोलते हैं इसका स्पीकर। ये बात लिखी है 94 में आर्टिकल में, और 96 में क्या लिखी है, इसकी डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया। अब देखो ये स्पीकर या वो चेयरमैन होता कैसे, काम क्या करते हैं, देखिए। मान लीजिए ये है अपनी राज्यसभा, इसका हाउस है, ओके, और ये है अपनी लोकसभा, ये इसका हाउस। तो यहां पर भी बहुत सारे मेंबर बैठे हैं, स्टेट्स ने अपने अंदर से चुनकर भेजे हैं, ठीक है। और यहां पर भी बहुत सारे मेंबर बैठे हैं, लोगों ने, पब्लिक ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से अपने अपने रिप्रेजेंटर, तो इन्होंने भी अपनी बात रखनी है, इन्होंने भी अपनी बात रखनी है। अब ये नहीं कि आपस में बातें करते रहेंगे, आपस में बताते रहेंगे कि ऐसा मैंने बिल लेकर आना है, ये मैंने कानून बनाना है, या ये बात गलत होगी देश में, ये भी आपस में ऐसी बात नहीं करते हैं, ऑफिशियली कर लेते हैं, ऑफिशियली अपनी बात नहीं करते हैं। तो ये अपने आगे आगे एक इनके मॉनिटर बैठा है, इनका भी एक मॉनिटर है और इनका भी एक मॉनिटर है, जिनको ये बोलते हैं कि हाँ भाई आप उस मिनिस्टर को कहिए ये काम नहीं किया, आप बताइए कि सरकार क्या कर रही है, जो पूछती है, या फिर हमारे एरिया में ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सरकार कोरोना आ गया, सरकार क्या कर रही है, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये बंदे पूछते हैं, ऐसे इधर है। तो जिससे पूछते हैं डायरेक्ट उससे नहीं पूछते बंदे से, मान लो किसी मेंबर ने किसी मिनिस्टर से कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मिनिस्टर से नहीं पूछेगा, तो वो इसको बोलेंगे। तो हाउस को रेगुलेट करना है, इसको चलाना है, इसका काम वो करते हैं, इनके जो चेयरमैन है ऑफिशियल वो करते हैं, राज्यसभा में होते हैं वो हमारे चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है,
लेकिन वो राज्यसभा का पार्ट नहीं है, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर है, जो इसके ऑफिशियल है, वो लोकसभा का ही पार्ट है। वो भी एक एमपी है लोकसभा में, वो भी किसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं। जैसे आज के टाइम में है हमारे स्पीकर ओम बिड़ला, आज के टाइम में हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला है, वो कोटा से है, कोटा से एमपी है, कोटा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां से वो एमपी है, वहां से वो चुनकर आए हैं, वहां के वो रिप्रेजेंटर है, ठीक है। तो इनको स्पीकर कौन बनाएगा, यहीं से चुनाव होगा और स्पीकर बनेगा, और डिप्टी स्पीकर भी यहीं से बनेगा। अब एक छोटी सी मतलब एक रस्म कह लो, यहाँ पे एक आम सहमति है या अपने एक अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, तो देखो स्पीकर कौन बनेगा, सीधी सी बात है कि जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है या जिस पार्टी की मेजोरिटी है, सबसे ज्यादा जिसकी सरकार है, जिसके सबसे ज्यादा बंदे यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से एक बनेगा स्पीकर। दूसरी बात, एक परंपरा रही है कि जिस पार्टी का स्पीकर है उस पार्टी का स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर उस पार्टी का नहीं बनेगा, डिप्टी स्पीकर उसकी दूसरी पार्टी का बनेगा, ऑपोजिट पार्टी का बनेगा। जैसे आज के टाइम में पावर में कौन है, बीजेपी है, तो स्पीकर है वो है बीजेपी का, और एंटी पार्टी यानी कांग्रेस का है डिप्टी स्पीकर, ठीक है। ये बात आम सहमति से बनेगी, तो ये चीज है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है, आगे है इनके सेशन। तो देखिए लोकसभा है, राज्यसभा है, ये लोग आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं देश के अलग अलग मुद्दों पर। तो हमारे देश में पार्लियामेंट के तीन टाइप के सेशन है। सबसे पहला सेशन है जो उसको बोलते हैं बजट सेशन, दूसरा है वो है मॉनसून सेशन, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं विंटर सेशन। बजट सेशन, सीधी सी बात है, बजट मतलब जहां पर बजट के बारे में बातें करेंगे, देश के पैसों के बारे में, कहां पर क्या खर्चा है, कहां पर कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, इनके बारे में बातें करेंगे, वो है बजट सेशन। अब ये कब आता है, ये चलता है फरवरी से मई तक, ओके। दूसरा मानसून, जब बरसात आती है मानसून आता है, कब आता है, जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई से सितंबर तक। तीसरा है विंटर, जब सर्दियां आती है विंटर है, तो कौन सा होता है, दिसंबर से फरवरी। तो ये है तीन टाइप के सेशन, चलते हैं अब आगे देखिए क्या है। अब तीन सेशन है, अब मेन बात यह है कि कोई भी जो दो सेशन है, दो सेशन के अंदर जो मैक्सिमम गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी दो सेशन में गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप है तो नहीं चलेगा काम। अब इसको इंश्योर कौन करता है, इसको इंश्योर करते हैं हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब सेशन में करते क्या है, तो देखो सारा साल जो है पार्लियामेंट नहीं बैठती है, इन सेशन में आकर बैठती है, लोग बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें, अपनी मांग है, अपने कोई अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ कुछ होना है वहां पर, या हमें देश में कुछ करना है, मान लो कोरोना आ गया, सवाल करने हैं कि सरकार कोरोना पे क्या कर रही है, हेल्थ सिस्टम कैसा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या काम हो रहे हैं, मिलिट्री क्या काम कर रही है, इसके बारे में जो डिस्कस करनी है, बातें करनी है, वो काम करते हैं सेशन के अंदर, ठीक है। अब सेशन चलाने के लिए एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोरम। अब कोरम का मतलब क्या है, अब ये नहीं है कि मान लो 545 बंदे हैं, कितने भी आ जाए तो सेशन चला देंगे, तो जब तक हाउस की, हाउस के अंदर जितने मेंबर हैं, अगर उसके उसका 10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट उसका अगर जब तक नहीं आया है, तब तक हाउस नहीं चलेगा। मान लो लोकसभा में 545 है, तो इसका 10वां हिस्सा यानी जब तक 55 लोग नहीं आएंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लो 50 बंदे ही आए हैं, ठीक है ना, अगर देखो 545 की स्ट्रेंथ है, 50 बंदे आए हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, इतने कम बंदे क्यों आए हैं। तो इसके लिए इंश्योर किया गया कि कोरम, कोरम मतलब इतना हिस्सा, अगर 10th पार्ट 10वां हिस्सा लोग
मेंबर्स नहीं आए हैं तो हाउस नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के ऑफिशियल की, स्पीकर की, चेयरमैन की, कि वो हाउस को या तो सस्पेंड कर दे या नेक्स्ट सेशन तक एडजर्न कर दे, ठीक है, पोस्टपोन कर दे सेशन को। ये काम है हाउस के जो ऑफिशियल है उसका, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, इस हाउस को चलाने के लिए कम से कम इतने लोग चाहिए। अब हाउस में क्या बातें करते हैं, जैसे अभी आपको बताया, चर्चा करते हैं कि टोना क्या है, इस पे क्या कुछ करना चाहिए, या कोई नया बिल आ गया उसको पास करना है तो वोटिंग करते हैं। ये सारी चर्चाएं हाउस में करते हैं जब इकट्ठे होते हैं। तो ये था इसकी स्ट्रक्चर हाउस की। अब कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हर हाउस का एक मॉनिटर होता है, जैसे राज्यसभा में क्या है, हमारे चेयरमैन है, जिससे वो जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, और लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अब हाउस में आते हैं, चर्चा करते हैं, मैंने आपको बताया कि हर हाउस का लीडर है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा के जो लीडर हैं, जो उनको लीड करते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, जहां पर उन्हें बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। और जो हमारी है राज्यसभा, वहां के हेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं चेयरमैन। अब कई बार क्या होता है, देखो ये भी आपस में बातें करते हैं, अलग अलग डिस्कस करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर ये भी करते हैं। कई बार क्या है, किसी बात पर इनकी मतलब कि उलझ जाते हैं, एक दूसरे की बात मानते नहीं है दोनों हाउस, तो दोनों हाउस को इकट्ठा चलाते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। देखो दोनों को एक ही हॉल में ले आते हैं, तभी मेंबर्स, उन्हें बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो हेड करते हैं, इनके ऑफिशियल होते हैं, इनके मॉनिटर है, वो कौन होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। देखो अपने अपने हाउस के मॉनिटर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, पर जब सभी इकट्ठे बैठेंगे एक ही हॉल में, उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। उस समय वहां के ऑफिशियल हैं जो लीड करेंगे, वो है स्पीकर, जो कि लोकसभा के हैं, ऐसे ही है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लोकसभा राज्यसभा काम कैसे करते हैं, क्या इनके काम होते हैं, कैसे कोई बिल एक्ट बनता है, कैसे अमेंडमेंट होते हैं, कैसे कानून बनते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।